व्हाट्स अप पीपल, माय नेम इज सिद्धार्थ। वेलकम बैक टू चैनल अगेन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं टाटा की उन 5 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है और इन कारों का बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ कारें ऐसी है जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली तबाही मचाने वाली है। जो सबसे पहली कार आती है जिसको 4 अक्टूबर को इंडियन मार्केट में पेश किया जाएगा वो है टाटा की पंच। हालांकि ये एक माइक्रो एसयूवी कार होने वाली है, लेकिन इस कार के अंदर बहुत ही कमाल के फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि इस कार के अंदर अब आपको कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलेगा। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा टाटा अल्ट्रोज वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल का इस्तेमाल भी आपको टाटा पंच के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर एक्सटीरियर डिजाइन की बात करो तो टाटा पंच का जो फ्रंट फीशा है दिखने में काफी हद तक कमाल का है। यह साइड से भी दिखने में काफी हद तक बढ़िया लगती है। तो ओवरऑल अगर मैं टाटा पंच की बात करूं तो ये कार इंडियन मार्केट में डेफिनेटली तबाही मचाने वाली है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बढ़िया फीचर्स आपको मिलने वाले हैं और इसकी जो कीमत है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। बेस मॉडल के शोरूम प्राइस टॉप मॉडल 8-8.5 लाख रुपए तक चला जाएगा और इसको इंडियन मार्केट में अब 4 अक्टूबर को पेश किया जाना है। वही जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा वो है टियागो ईवी। हालांकि रिसेंटली टाटा कंपनी ने टिगोर ईवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था जो कि लगभग 130 किलोमीटर तक की रेंज देती है सिंगल चार्ज में, और टियागो ईवी को ऑलरेडी ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो टियागो ईवी के एक्सटीरियर में और इंटीरियर में नॉर्मल से चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। शायद टिगोर ईवी वाला ही बैटरी पैकअप हमें टियागो ईवी के अंदर देखने को मिल जाएगा। टियागो ईवी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास रेंज दे सकती है। इसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू टिगोर ईवी। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस इंडिया में लगभग 6 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्शन प्राइस, और टाटा कंपनी टियागो ईवी को इस फेस्टिव सीजन इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा वो है अल्ट्रोज ईवी। अल्ट्रोज ईवी को ऑलरेडी शोकेस किया जा चुका है ऑटो एक्सपो के शो में और इसको भी बहुत जल्दी अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर में हमें माइनर से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू पेट्रोल पे चलने वाली अल्ट्रोज, और इसके अंदर टाटा कंपनी थोड़ी सी बड़ी बैटरी पैकअप दे सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्ट्रोज ईवी एक सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी। अगर इतनी बड़ी बैटरी का इस्तेमाल अल्ट्रोज ईवी के अंदर किया जाएगा तो डेफिनेटली इसकी कीमत भी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 10 लाख रुपए के ऊपर हो सकती है बेस मॉडल की एक्शोरूम प्राइस, और अल्ट्रोज ईवी को इंडियन मार्केट में दिसंबर 2021 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है, यानी इस साल के एंड तक अल्ट्रोज ईवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसको ऑलरेडी ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है, और तब इस कार ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रखी थी क्योंकि ये एक मिड साइज सेडान कार होने वाली है टाटा की। इसके अंदर भी आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं और इसका जो एक्सटीरियर का लुक है काफी तक जबरदस्त रहने वाला है। स्क्रीन के ऊपर आप कुछ वीडियोस या फिर इमेजेस देख सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे सामने निकल कर आए थे कि ये कार एक सिंगल चार्ज में लगभग 1000 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी आराम से। तो टाटा कंपनी इसके अंदर बहुत ही पावरफुल बैटरी पैकअप देने वाली है। तो अब ये आने वाला समय बताएगा टाटा कंपनी इसके अंदर कौन सा बैटरी पैकअप इस्तेमाल करती है। तो आपको क्या लगता है, ये कार एक सिंगल चार्ज में 1000 किलोमीटर चल पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्योंकि ये कार टाटा कंपनी बना रही है। इसकी लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूं तो टाटा कंपनी इस कार को 2022 के स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 20 या फिर 25 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। अगर ये कार एक सिंगल चार्ज में 1000 किलोमीटर चलती है तो इसकी कीमत ज्यादा रहने वाली है। जो लास्ट नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और ये एक आइकॉनिक कार रह चुकी है वो है टाटा की सियारा। हालांकि टाटा कंपनी ने सियारा को सबसे पहले 1991 में लॉन्च किया था, उसके बाद 2003 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन अब टाटा सियारा बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में वापस आने वाली है इलेक्ट्रिक कार के फॉर्मेट में। तो इसके अंदर अब टाटा कंपनी इलेक्ट्रिक बैटरी का इस्तेमाल करेगी। टाटा की सियारा का जो ईवी वेरिएंट रहने वाला है 2022 का, वो एक सिंगल चार्ज में लगभग 450 किलोमीटर तक का रेंज दे देगा आराम से। इसके अलावा इसका जो एक्सटीरियर का लुक है काफी तक कमाल का है, मतलब इसके एक्सटीरियर को काफी तक रीडिजाइन किया गया है और कुछ चीजें ऐसे है जो कि ओल्ड सियारा से मिलते जुलते हैं, मतलब जो आइकॉनिक सियारा थी उससे मिलते जुलते हैं। साइड प्रोफाइल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके इंटीरियर भी काफी हद तक प्रीमियम रहने वाला है और इस मॉडल को ऑलरेडी 2020 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है। वही अगर मैं इसके लॉन्चिंग की बात करूं तो 2022 के स्टार्टिंग में इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत 13 या फिर 14 लाख रुपए से इंडियन मार्केट में शुरू हो सकती है। तो इनमें से आप किस कार का इंतजार कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।